ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାଜା ଖବରକୁ। ଆଜିର ସକାଳ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ସକାଳ। 7 ବର୍ଷ 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ନିର୍ଭୟାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। 7 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଛି। ନିର୍ଭୟା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ କେବେ ମିଳିବ ଫାଶି? ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଉଠିଥିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଜି ଅବସାନ ଘଟିଛି। ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ଆଉ 4 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶି ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି 7 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶି ଦେବା ସହ ପୁରା ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ହେଲେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ନିର୍ଭୟାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ଆଉ ଆଜିର ଦିନ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଦେଶର ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି, ଶାନ୍ତି ପାଇଛି ନିର୍ଭୟାର ଆତ୍ମା। ସରିଛି ଆଶା ଦେବୀଙ୍କ 8 ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ। ଶେଷରେ ଫାଶି କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲିଛନ୍ତି ବିନୟ, ମୁକେଶ, ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ପବନ। ଆଜି ଏହି 4 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ସକାଳ 5:30 ତିହାର ଜେଲ୍‌ରେ ଫାଶି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହା ସହ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଇନକୁ ହାତ କରି ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଥିବା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣାର ଯୌନ ପିଶାଚକୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କେବଳ ନିର୍ଭୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବେ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ଆଇନ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଇନ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ଏହା କହିବୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବୁ କି ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଫାଶୀ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା। ଖୁସି କି ବାତ ଶାୟଦ ତବ ଜ୍ୟାଦା ହୋତି जब हम निर्भया को बचा पाते, हम उनको बचा नहीं पाए। देश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से, देश की राजधानी में क्राइम हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल था। लेकिन आज संतुष्टि इस बात की है कि एटलीस्ट निर्भया को जस्टिस मिला, उस चीज की संतुष्टि है। लेकिन एक और बात मैं कहूंगी कि देश की और भी बेटियां जिनके साथ निर्भया जैसा हीनियस क्राइम हुआ है, वो भी अभी इंतजार कर रही हैं। तो जो भी मीडिया हाउसेज है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जस्टिस हर किसी को मिले, वहां तक पहुंचे, उन केसेस को उठाएं और जो भी सिस्टम है वो सबके लिए अवेलेबल हो। जी, एपी सिंह के बारे में क्या कहेंगे? एपी सिंह के बारे में मैं एक ही बात कहूंगी कि इस तरीके के जो लॉयर हैं, उनके इस तरीके का व्यक्तित्व जो है, उनका माइंड सेट है, ये कहीं से भी इस प्रोफेशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने भी उनके अगेंस्ट एक एक्शन लेने के लिए दिल्ली बार काउंसिल को बोला था। अभी देख रहा हूं मैं, अभी ऑर्डर मिले, हमें ऑर्डर नहीं मिलता। हमारे साथ यही इस केस में है, क्योंकि लोकतंत्र के चारों स्तंभ जो मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, इस केस में हमारे खिलाफ हैं, सिस्टम हमारे खिलाफ है, केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, सरकारें हमारे खिलाफ। विषय ये है, निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों को फांसी देने के लिए प्रश्न शिशु लोकतंत्र के चारों स्तंभों ने बना लिया। आप हमें ऑर्डर दे दें अभी, क्योंकि मीडिया के पास ही ऑर्डर आएगा सबसे पहले। आप मुझे क्या ऑर्डर अभी दे देंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाता हूं अगर मुझे ऑर्डर दे दें। बिना ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट तो नहीं सुनेगा। आप देख रहे हैं, यहां फोटो स्टेट मशीनें बंद हैं, यहां अटेस्टेशन नहीं हो पा रही है, कोई होटल कैंटीन सब, आप देख रहे हैं, कर्फ्यू जैसा माहौल है देश में और विदेशों में, दुनिया में कर्फ्यू जैसा माहौल है। लेकिन फिर भी फांसी की सजा दी जा रही है। अभी ऑर्डर मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ऑर्डर मिल जाएगा, मैंने कहा ऑर्डर मिल जाए, आप दिला दीजिए जल्दी, आप ही के पास जल्दी आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हाँ, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, उनसे हमारी बात हुई है और वहां जाने के लिए वहां बात हुई है, उनसे रजिस्ट्रार के पास जाएंगे।